चमोली में जिला सहकारी बैंक का 56वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में बैंक को 22 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। साथ ही चमोली जिला सहकारी बैंक उत्तराखंड में पहले नंबर पर है। यही नहीं, बैंक 1000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय वाले बैंकों में शामिल हो गया है। बैठक में बैंक के 476 से अधिक सदस्य ने प्रतिभाग किया। बैंक अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने कहा कि वर्तमान समय में बैंक के मुख्य शाखा गोपेश्वर सहित सभी बड़ी शाखाओं में ATM स्थापित किए गए हैं। बैंक की 22 शाखाओं में माइक्रो ATM मशीन स्थापित कर दी गई है। इससे पूर्व BJP के जिलाध्यक्ष रमेश मेखुरी और नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने द्वि प्रचलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के सदस्यों कर्मचारियों को बैंक के मुनाफे के लिए बधाई दी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। चार करोड़ से ऊपर का बैंक होने में पूरे जो हमारे ग्राहक हैं, काश्तकार हैं, उनका मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी आशा व्यक्त करता हूं कि भविष्य में हम इस बैंक को 1500 करोड़ से आगे बढ़ाकर 2000 करोड़ का बैंक हम इसको बनाने वाले हैं। मैं आप सबका और जितने भी लोग इसमें उपस्थित हुए उन सबका आभार व्यक्त करता हूं।